नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेस ओके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेस ये टॉपिक पे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इन्वायॉर्मेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ़ प्रोग्राम ठीक है किसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में ऐसा इन्वामेंट बनाता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है कि यूज़र अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके ठीक है आप और द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोग्रामर टू मेक द प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि प्रोग्रामर को या या यूज़र को अपने प्रोग्राम या अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने में सुलभता हो कन्वीनियंस का मतलब क्या हो सुलभ आसानी हो ईजियर टू यूज़ ओके मतलब आसानी से अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड की जाती हैं उसमें से कुछ सर्विसेज इस प्रकार से हैं ठीक है कुछ सर्विसेज जो खास हैं वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हर प्रकार की सर्विसेज को मैनेज करता है एवरी एवरी फाइल एवरी डिवाइसेस टोटली कंप्यूटर को गवर्निंग का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है ठीक है फिर भी उसमें जो कुछ खास खास सर्विसेज हैं वो हम आपको बता रहे हैं जैसे कि सबसे पहला है आपका यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हैं यूज़र इंटरफेस तो यूज़र इंटरफेस का मतलब है ऑलमोस्ट आल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव अ यूज़र इंटरफेस यूजर इंटरफेस को यू आई बोलते हैं ठीक है दिस इंटरफेस कैन टेक सेवरल फॉर्म्स ये यूजर इंटरफेस बहुत प्रकार का हो सकता है वन इज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस ओके विच यूज़ विच यूज टेक्स्ट कमांड एंड अ मैथड फॉर एंटरिंग दम ठीक है इसमें से कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है जो कि टेक्स्ट कमांड यूज़ करता है किसी मेथड को इंटर करने के लिए ठीक है मोस्ट कॉमनली आ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जी ओ आई इज़ यूज आपने दोस्तों नाम सुना होगा जी यू आई तो जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये फैसिलिटी कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है ठीक है दूसरा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो द सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इन टू मेमोरी एंड टू रन द वेट प्रोग्राम द प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू इंडस इट्स एक्जीक्यूशन तो इसका मतलब क्या है द सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इन टू मेमोरी ओके इसका मतलब है सिस्टम के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो सके तो आप दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी कोई प्रोग्राम यूज़र ओपन करता है तो वो प्रोग्राम सब फाइल सबसे पहले रैम में जाती है ठीक है रैम में जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि वो प्रोग्राम रैम में लोड हो और उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि रनिंग के लिए प्रॉपर रेडी रहे ठीक है द प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू तो इंड्स इट्स एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम में ऐसी एबिलिटी हो कि वो उसका एग्जीक्यूशन यानी जो उसका एक प्रोसेसिंग टाइम है वो एक समय के बाद ख़त्म हो ठीक है तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जो फैसिलिटी है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है एंड रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर इनपुट आउटपुट विच में इन्वॉल्व फाइल और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस ठीक है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से किया जा सकता है या फिर कोई फाइल जिसके माध्यम से उसके ऑपरेशन पूरे होने हैं तो ये भी जो सर्विस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ठीक है नेक्स्ट है कम्युनिकेशन देर आर मैनी सिचुएशन इन विच वन प्रोसेस नीड्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अनादर प्रोसेस ठीक है सच uh, कम्युनिकेशन में अकर बिटवीन प्रोसेस दैट आर एग्जीक्यूटिंग ऑन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स और सेम कंप्यूटर सिस्टम दोस्तों तो हम बात करते हैं जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको कुछ प्रोग्राम फाइल दूसरे किसी प्रोसेस से ज़रूरत पड़ सकती है या कोई रिसोर्स जो दूसरे प्रोसेस यूज कर रही उसकी उस रिसोर्स की उसको भी ज़रूरत पड़ सकती है तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन तो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन की जो सेवा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कराता है ठीक है तो इसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जब प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसे बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये दो प्रकार से किया जा सकता है मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी तो आप देख सकते हैं मैं दो प्रकार का है मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी ठीक है तो आप एक नोट पॉइंट देख लीजिए कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बीच में हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं ठीक है तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन में हम प्रोसेस के बीच में मैसेज पासिंग के थ्रू मैसेज को पास कर करके कम्युनिकेट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं जबकि शेयर्ड मेमोरी में मैसेज पासिंग मैसेज का उपयोग नहीं किया जाता है मेमोरी शेयर करके प्रोसेस के बीच में हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं अगला है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन तो फाइल सिस्टम इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट प्रो प्रोग्राम्स नीड टू रीड एंड राइट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की जो फाइल में क्रिएशन है मॉडिफिकेशन है फाइल मर्जिंग है रिनेमिंग है ये सभी प्रकार की जो फैसिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है कि इसके थ्रू हम फाइल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं ठीक है सम प्रोग्राम्स इंक्लूड परमीशंस मैनेजमेंट टू अलाउ और डिनाई एक्सेस टू फाइल और डायरेक्टरीज़ बेस्ड ऑन फाइल ओनरशिप तो ये फ़ाइल जब क्रिएट की जाती है तब उसमें उसकी डायरेक्टरी बनती है उससे ये पता चल उसमें ये कन्फर्म किया जाता है कि उस फाइल में क्या क्या यूज़र ऑपरेशन कर सकता है ठीक है ये फ़ाइल के टाइप पे डिफ़ाइन करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन कौन सी फ़ाइल यूज़र एक्सेस कर सकता है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है ठीक है जो सिस्टम की फ़ाइल जैसे हैं उसमें यूज़र कोई मॉडिफिकेशन ऐसे नहीं कर सकता ठीक है नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में सबसे खास जो सर्विस है वो एरर डिटेक्शन की है ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अवेयर तैयार रहता है कि सिस्टम में कहाँ गलती होने वाली है कहाँ पे अकर होने की पॉसिबिलिटी है संभावना है ठीक है एरर्स में अकर इन द सीपीयू एंड मेमोरी हार्डवेयर सच एज मेमोरी एरर और पावर फेलियोर एरर uh, कंप्यूटर में सीपीयू या मेमोरी में भी हो सकती है किसी हार्डवेयर में हो सकती है जैसे कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गई या पावर फेल्योर हो गया तो इन सभी प्रकार की जो पॉसिबिलिटी हैं एरर की उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा तैयार रहना है फॉर ईच टाइप ऑफ एरर द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग हर प्रकार की एरर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा तैयार रहता है और जो उचित एक्शन होता है वो लेता है उचित एक्शन लेके ये श्योर करता है कि जो कंप्यूटिंग है प्रोसेसिंग है वो सही तरीके से और कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट वे में होती रहे ठीक है मीन्स अगर कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर फेल हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में जो बाकी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो इफ़ेक्टेड ना हो ठीक ठीक है और जो कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग हो रही थी उसमें कोई दिक्कत ना हो सही तरीके से होती रहे ठीक है डिवर्किंग फैसिलिटीज़ कैन ग्रेटली इन्हांस द यूज़र्स एंड प्रोग्रामर्स एबिलिटी टू यूज़ द सिस्टम इफ़ीसेंटली डिवर्किंग फैसिलिटी प्रोग्रामर की एबिलिटी पे प्रोग्रामर की एबिलिटी से हम सिस्टम की जो एफिशियंसी है वो बढ़ाई जा सकती है ये फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की द्वारा बताई गई है बना ये सर्विस भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है ठीक है ओके okay? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में जिस भी एरर की पॉसिबिलिटी है उस एरर को लेके हमेशा अवेयर रहता है ठीक है नेक्स्ट सर्विस है रिसोर्स एलोकेशन ओके okay? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज़ में सब इम्पॉर्टेंट सर्विसेज में एक रिसोर्स एलोकेशन की भी सर्विस है तो कंप्यूटर में बहुत सारे रिसोर्स हैं और हर रिसोर्स को कब कैसे यूज़ करना है ये रिस्पॉन्सबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है वन देयर आर मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल जॉब्स रनिंग एट द सेम टाइम रिसोर्स मस्ट बी एलोकेटेड टू द ईच ऑफ दिम जब एक से ज़्यादा प्रोसेस कंप्यूटर पर रन हो रही होती हैं और एक से ज़्यादा यूजर कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिम्मेदारी होती है कि कब कौन सा रिसोर्स हम उसको एलोकेट करें ठीक है मैंने मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज सी पी यू साइकिल्स मेमोरी एंड फाइल स्टोरेज तो सी पी यू साइकिल मेमोरी और फाइल स्टोरेज ये सभी प्रकार के रिसोर्सेज को आप कह सकते हो पेरीफेल डिवाइसेस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सभी प्रकार की चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम कब कैसे और किस तरीके से किस प्रोसेस को असाइन करना है ये सब जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है अगली सर्विस है अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग का मतलब होता है गणना करना कैलकुलेट करके रखना टू कीप द ट्रैक ऑफ विच यूजर्स यूज़ हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस तो ये पता लगाना कि कितने रिसोर्स और कब कौन सा कंप्यूटर यूज़र यूज कर रहा है ये सभी प्रकार की चीज़ का गणना करते रहना ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम की ये जिम्मेदारी है ठीक है कि कब कौन सा रिसोर्स किस यूज किस प्रोसेस के पास है और वो प्रोसेस कौन सा यूज़र यूज use कर रहा है ये सभी प्रकार की गणना यूजर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को होनी चाहिए ठीक है दिस रिकॉर्ड कीपिंग मे बी यूज्ड फॉर अकाउंटिंग सो दैट यूज़र्स कैन बी बिल्ड ठीक है तो इस प्रकार का रिकॉर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करना है कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के पास है और उसको कौन कौन से और रिसोर्स की ज़रूरत होने वाली है ठीक है नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज में सबसे खास सर्विस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी है ठीक है द ओनर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ मल्टी यूज़र और नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम में वांच टू कंट्रोल यूज़ ऑफ़ दैट इंफॉर्मेशन अब जहाँ पे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वहाँ पे हर यूज़र चाहता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे या उस थोड़ा उस पर ऑथेंटिक रहे मतलब उसकी जो फाइल है इंफॉर्मेशन है वो बिना उसकी परमिशन के कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए ठीक है तो इसके लिए प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेस टू दैट रिसोर्स इज़ कंट्रोल्ड तो प्रोटक्शन मीन्स प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो भी उसके रिसोर्स हैं वो कोई दूसरा यूजर एक्सेस ना कर पाए उसको कंट्रोलिंग कर सके ठीक है उस पर जैसे फाइल को हिड हाइड कर सकता है लॉक कर सकता है पासवर्ड क्रिएट कर सकता है ठीक है तो सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम फ्राम आउटसाइडर्स इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट सच है जी सिक्योरिटी स्टार्ट विद रिक्वायरिंग ईच यूजर टूट ऑथेंटिकेट हिम सेल्फ और हर सेल्फ़ टू दिस्टम तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई बाहरी यूज़र हमारे कंप्यूटर को ना ओपन कर पाए हमारी फाइलों को ना एक्सेस कर पाए इसीलिए आप देखो कंप्यूटर सबसे पहले स्टार्ट होता है तो विंडो पासवर्ड आपसे आई डी पासवर्ड पूछता है ठीक है या पासवर्ड पूछता सिस्टम का तो वो एक प्रकार की सिक्योरिटी है ठीक है ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि कोई और यूज़र आपकी जो सर्विसेज है उसको एक्सेस ना कर सके ठीक है और प्रोटेक्शन क्या है कि जो उस पर यूज़र कंप्यूटर में एक्सेस हो कर रहे हैं वो किसी और यूज़र की फाइल को ना कर नो ना एक्सेस कर सके ठीक है तो ये आपकी सभी इस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज थी आ, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एज ए रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है आ, आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए गवर्नर इन कंप्यूटर सिस्टम ओके तो हर प्रकार की सर्विस हर प्रकार का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है कंप्यूटर में इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम का ठीक और आप दोस्तों देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कार्ड हार्ट एंड सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ओके द मेन एम टू प्रोवाइड कंप्यूटर सिस्टम इजियर टू यूज़ ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में जो मेन काम है वो ये है कि कंप्यूटर को इज़ी आसानी से यूज कैसे किया जा सके ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हुआ तब से कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत आसान हो गया वरना दोस्तों इतना आसान नहीं था कंप्यूटर को यूज़ करना ठीक है तो मेन जो सबसे खास कम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जो उद्देश्य है वो ये है कि कंप्यूटर को कितना आसानी तरीके से यूज़र यूज use कर सके ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ऑपरेटिंग uh, सिस्टम की सर्विसेज अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी uh, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है सर्विसेज तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए थैंक यू